गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडा वलाईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस समय यदि हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करें तो दो मुद्दे सबसे अधिक सर्कुलेट हैं। एक मुद्दा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, और दूसरा मुद्दा है कि डीपीआई अपनी वेटिंग को कब क्लियर करेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं। हालांकि उनको वेटिंग लिस्ट में होना नहीं चाहिए था, और इस प्रकार से जिस प्रकार अनियमितता बरती गई है उस स्थिति में जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है वो कैंडिडेट काफ़ी कुछ हताश हैं, निराश हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितेंद्र शर्मा जी के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी कि वेटिंग के कैंडिडेट के साथ में किस प्रकार से अन्याय हुआ है, और ये केस अभी चल रहा है। तो दोस्तों, इसकी सुनवाई कल भी हुई है और इसकी सुनवाई आज भी है, तो जैसा कि आप ये डिटेल के माध्यम से देख पा रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट में कहां तक स्थिति पहुंच चुकी है, हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट के वकील को लताड़ भी लगाई है, उनको डांटा भी है कि आपने किस प्रकार से अनियमितता बरती है कि ये जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं ये बाहर हो रहे हैं, तो पूरे नियमों को स्पष्ट करें। और दोस्तों, इन नियमों के स्पष्टीकरण संबंधी और हाईकोर्ट में किस प्रकार की गतिविधि हुई है, क्या कार्यवाही हुई है, तो आप सुने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जितेंद्र शर्मा के द्वारा। आज हमारे केस नंबर 27572 पर आज चीफ जस्टिस की डबल बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने में आया। साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमारा केस लगा था 25418 जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में, वहां से हमें मजबूत एक नोटिस हम जारी करवा चुके हैं। और आज का जो घटनाक्रम हुआ वहां हमने एक अलग बिंदु पर नोटिस जारी करवाया था, आज हमने दूसरा बिंदु लिया। क्योंकि क्या होता है कि एक ही केस में सारे बिंदु अपन नहीं रख सकते, अगर एक ही केस में सारे बिंदु रख देंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालय भी कंफ्यूज हो जाएगा और मुद्दा खिंचता जाएगा, ठीक है ना। तो मुद्दा ना खिंचे और अपन सारी बातें अलग अलग केस के माध्यम से रख सकें, इस वजह से आज एक नया केस था 27572 जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें हमारे जो पिटीशनर के जो वकील थे उन्होंने बड़ी मजबूती से हमारा पक्ष रखा, और उन्होंने विस्तार में बताया कि न्यायालय विभाग ने किस प्रकार हम प्रोविजनल वेटिंग साथियों के साथ किस प्रकार नाइंसाफी करी है। इतनी सारी सीटें खाली होने के बावजूद भी हर कैटेगरी में इन्होंने हमको बाहर बिठा रखा है वेटिंग के नाम पर, जबकि कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब एक तरह से फाइनल वेटिंग बना दिया है हमें। तो उसके लिए आज मजबूत लड़ाई हुई और जबरदस्त बहस हुई इसमें। उस बहस में जो सरकारी पक्ष के जो वकील थे वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाते भी नजर आए, क्योंकि तो उन्हें मुद्दे का ज्ञान ही नहीं था। तो जब वो लड़खड़ाए तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश महोदय ने फटकार भी लगाई और बोला कि आप इस मुद्दे पे पूरा तथ्य को जान के आइए। तो उन्होंने उसके लिए समय मांगा, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उनको कोई समय नहीं दिया और कल की डेट लगा दी, ठीक है। आज सुनवाई हुई, बिल्कुल एक दिन का भी समय नहीं दिया, बोले आप कल पता करके आइए कि ये लोग बाहर क्यों हैं, इनके साथ ये अन्याय क्यों किया गया है। तो ये बहुत अच्छी, आज हमें एक अच्छा मोड़ मिला है। और हम सब जानते हैं कि न्यायालय से जिस तरह से अधिकारी हमसे कुछ भी बोल देते हैं ना, वो अधिकारी न्यायालय से कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यायालय में बोली गई बात कार्रवाई का आधार बनती है। तो ऐसा नहीं जो मन में आया वो बोल दिया, हमसे तो जब बोलते हैं तो हमसे वीडियो रिकॉर्डिंग की बना करते हैं ताकि ये चीजें फैले ना, हमें कुछ भी बेवकूफ बनाया जा सके। विभाग की ये जो गलती है, आज इस गलती के लिए हम तड़प रहे हैं। आज हमें विद्यालय में होना चाहिए था, हम विद्यालय में आज पढ़ा रहे होते, लेकिन विभाग ने इतनी बड़ी गलती करी कि आज हम बाहर बैठे हैं, दिन रात नहीं कटते हैं, मतलब खाना अच्छा नहीं लगता है जब भी सोचते हैं कि हम आज बाहर बैठे हैं, इतनी अच्छी रैंक ला के
इतना सब कुछ है, सीटें खाली पड़ी है, फिर भी हम बाहर बैठे। तो ये बाहर बैठना मुझे रास नहीं आया, ठीक है। कुछ लोग हाँ काल्पनिक लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, घर पे बैठ के काल्पनिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ये वास्तविक धरातल की लड़ाई का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी सोच के पीछे विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये नियम गलत हुए इस वजह से हमारा हो जाएगा, और सही हो गए तो हमारा नहीं हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं होता। नियम के तहत, सही नियम के तहत भर्ती होगी, जिसका आज कहीं भी नाम है, सबका नंबर आएगा, सबका सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन अगर गलत नियमों के साथ भर्ती हो गई या गलत नियमों के साथ विभाग आगे बढ़ गया तो आप ये मान के चलना चीजें वहीं रुक जाएंगी। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है, इनको प्रोविजनल सूची को में से कुछ लोगों को, सबको तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को, 5 अक्टूबर की को इन्होंने ज्वाइनिंग दी है, उसी समय ज्वाइनिंग देनी थी। वो ज्वाइनिंग ना देने की वजह से इनको, इनकी जो बहुत सारी समस्याएं वो हो गई, लेकिन उसको सुधारने की वजह और बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथी ज्वाइनिंग पा चुके हैं उनको आज निकाल रहे हैं, जबकि उनका कहीं भी कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। जैसे कि आप सुंदरलाल यादव का देखिए, सुंदरलाल यादव जी 92 नंबर है इंग्लिश में और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और इंग्लिश में ओबीसी में आप देखिए कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, 76 नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, और 92 वाले बंदे को आज बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इनने खुद ने गलती करी थी। ये गलतियां अगर नहीं करते तो आज सुंदरलाल जी को बाहर नहीं निकाला जाता, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अपनी गलती सुधार कर, जो आपने गलती करी थी उनको ले लेना चाहिए था ना, वो उनको सुधार करना चाहिए था चीजों को, जो लोग छूट गए आपको उनको लेना चाहिए था, लेकिन अपने हट धर्मता के कारण विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक हम ये सारे नियम ठीक नहीं करवा लेते, बिल्कुल लड़ेंगे, कोई साथ दे अथवा ना दे। जिसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके भर्ती करा लेगा, वो आंदोलन खड़ा कर ले, ठीक है। आंदोलन के मैं विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जिसको लग रहा है कि आज वो 1000 की या 500 की संख्या का आंदोलन खड़ा कर सकता है तो बिल्कुल करे, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, ठीक है ना। मैं भी आऊंगा उसमें, 7 तारीख को गया भी था 36 लोगों के साथ। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज का प्रभाव कहां पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हमारी भर्ती को सरकार ने नहीं रोका है, सरकार आदेश दे चुकी थी कि भर्ती करना है, अब विभाग ने अधिकारियों की गलती के कारण आज हम बैठे हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे आंदोलन करने से अधिकारियों पे फर्क नहीं पड़ता, उससे सरकार पे फर्क पड़ता है, और सरकार की नजर में तो क्या है कि हम तो भर्ती कर चुके हैं, मतलब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, गलत डिमांड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दिया है अधिकारियों ने कि ये तो वेटिंग वाले हैं, मतलब हम जायज मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार के सामने देखा जाए तो उनके दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम जायज मांग नहीं कर रहे हैं। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप एक दिन के आंदोलन में आप या एक दिन जाने से भोपाल आप सरकार को नहीं समझा पाओगे, ठीक है ना। जैसे हम उस दिन गए शिक्षा मंत्री के बंगले पर, तो शिक्षा मंत्री ने के बंगले से निश्चित तौर से डीपीआई कॉल किया गया होगा, पूछा गया होगा ये बंदे क्यों आए थे, क्या समस्या है इनकी, उनको गुमराह किया गया होगा, उनसे साफ बोला गया होगा कि ये लोग तो वेटिंग वाले थे। अब साहब आप बताइए, क्या वेटिंग वालों को इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो उन्होंने तो गलत पाठ पढ़ा दिया, उन्हें नहीं समझ में आता कि प्रोविजनल वेटिंग क्या होती है, फाइनल वेटिंग क्या होती है, और कोई समझाने वाला भी नहीं है, ठीक है। जो समझाने वाले थे उनका लोग विरोध कर रहे हैं। आज एक नाव में हम बैठे हैं, ठीक है ना। कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है इस वेटिंग के लिए उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में नहीं काम कर रहा हूं, आप करिए, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप सोचें कि आप घर पे बैठे रहें और महिलाओं को भेजते रहें, इसको भेजते रहें, उससे काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ में?
कितना भी आंदोलन कर लीजिए, अगर एक दिन का आंदोलन आप कर रहे हैं थोड़ी 10-20-50 लोगों की संख्या से, तो अधिकारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अधिकारी भी यही चाहते हैं कि आप इसी में लगे रहो तब तक उन्हें काम करने के लिए समय मिल जाए, चीजों को ठीक करने के लिए समय मिल जाए, ठीक है ना। और वो समय हम नहीं दे सकते, इसीलिए हम न्यायालय में गए। और आज जो मजबूत काम हुआ है न्यायालय में, वो निश्चित ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। हम लड़ेंगे, कल जो है सरकारी वकील को मौका दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भैया गलती कहां। इवन जज साहब ने यहां तक बोल दिया कि इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही जब आपके पास सीटें खाली हैं। तो उन्होंने बोले, क्या बोले, बोले ओपी, ये ओपी के लोग हैं, ओपी मतलब हैंडीकैप के लोग थे। अरे ओपी का मतलब हैंडीकैप नहीं होता, ओपी का मतलब होता ओपन कैटेगरी के लोग। हमारे वकील साहब भी थोड़े चालाकी कर गए, उनको नहीं समझाया कि ओपी का मतलब ओपन कैटेगरी होता है। वो चाहते थे ये गलती करें, इनकी गलती दिखनी चाहिए। आप सभी लोग खुद से विचार करें, कुछ लोग जबरन मतलब कुछ लोग रंजिश के तहत बेवजह विरोध करते नजर आ रहे हैं, हालांकि ऐसे 3-4 लोग हैं बस, ज्यादा नहीं है, मात्र 3-4 लोग। करना धरना उनको कुछ नहीं है, घर पे बैठे हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, केवल नेता बनने के चक्कर में दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर ये बंदा जीत गया तो ये कुछ लोगों को सिलेक्शन करा ले जाएगा और हम लोग रह जाएंगे। अरे भाई, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं, कोई नहीं बचेगा।